हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं, पूरक मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक आप लोगों ने अच्छे से पढ़े थे। मूल मात्रकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में दो मात्रक और रखे गए थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, पूरक मात्रक। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पूरक मात्रक किस लिए काम में लिए गए। मूल मात्रक तो जितनी भी भौतिक राशियाँ थी उनको मापने में काम में लिए गए थे, लेकिन जो पूरक मात्रक थे वह स्पेशली कोणों को मापने के लिए काम में लिए गए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पूरक मात्रक कितने हैं। टोटल दो पूरक मात्रक है, एक तो समतल कोण को मापने के लिए। समतल कोण बोले तो एक तल में बनने वाला कोण, मतलब जो आप वृत्ताकार कोण जो बोलते हैं ना, उसके लिए काम में लिया जाता है समतल कोण। और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। 3D में, थ्री डायमेंशनल जो कोण होता है, त्रिविमीय जो कोण होता है, उसे मापने के लिए हम काम में लेते हैं घन कोण या ठोस कोण। क्लियर है। अब इनके मात्रक क्या है, तो जो आपका समतल कोण है उसका मात्रक है रेडियन। समतल कोण को हम डिग्री में भी मापते हैं, बट ऐसा ही मात्रक पद्धति में जो हमारे दो पूरक मात्रक रखे गए हैं वो रेडियन और स्टेरेडियन है, डिग्री में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी देखेंगे, उस पर जो बेस क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार यहाँ पे समतल कोण और घन कोण के जो मात्रक है रेडियन और स्टेरेडियन, इनकी हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले समतल कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, घन कोण या ठोस कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये ओम का जो सिंबल है ओम, और इसका मात्रक रेडियन, इसका सिंबल है RAD रेडियन, और जो स्टेरेडियन है उसका सिंबल होता है SR। क्लियर है यहाँ तक। दो पूरक मात्रक हुए रेडियन और स्टेरेडियन। किसके मात्रक है, रेडियन तो है समतल कोण का, स्टेरेडियन है घन कोण या ठोस कोण का। चलो अब बात करते हैं कि रेडियन क्या है। सबसे पहले हमने एक तल लिया, ये बोर्ड भी एक समतल है, इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक पॉइंट बनाया, इसको धीरे 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 ऐसे घुमाया, तो ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन घूमते घूमते मान लो किस समय यहाँ पहुँच गई, तो इसने कितना चाप काटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कर्व, इसको मैंने बोला चाप। इस चाप को नाम दिया है एस। ये चाप क्या है आपका, एस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो इस आर त्रिज्या ने, ये एस चाप ने आपका यहाँ से कट किया, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे, तो ये बीच में जो कोण बनाया इसको मैंने बोल दिया थीटा। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। बेटा एक फॉर्मूला याद कर लेना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। अब बात करते हैं कि चाप बटे त्रिज्या का आंसर किस में आएगा। बट ध्यान रखना, चाप भी मीटर में होगा, त्रिज्या भी मीटर में होगी। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जब आगे पढ़ेंगे हम विमा मात्रक वगैरह, तो कोण ना एक विमाहीन राशि होती है। कोण क्या होती है, एक विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती, क्योंकि लंबाई बटे लंबाई, दूरी बटा दूरी कट गया, लेकिन फिर भी इसका मात्रक है। ये मात्रकहीन भी होना चाहिए क्योंकि सिर्फ मीटर से मीटर कट गया, लेकिन कोण का मात्रक रखा गया क्या, रेडियन। तो इसलिए हमने ये बोल दिया कि चाप बटे त्रिज्या, चाप को मैंने लिखा एस, त्रिज्या को मैंने लिखा स्मॉल आर या कैपिटल आर, कुछ भी कंसिडर कर लेना, मैं वापस स्मॉल आर कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका चाप बटे त्रिज्या है, जो आंसर आएगा वो केवल रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सर हम जो भी भाग देंगे, त्रिज्या चाप का आपस में भाग दे रहे हैं, चाप बटे त्रिज्या, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। ये जो फॉर्मूला है चाप बटे त्रिज्या, ये केवल और केवल रेडियन के लिए ही मान्य है, डिग्री के लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि आंसर थीटा बराबर एक रेडियन कब आएगा। जब मैंने कहा चाप और त्रिज्या बराबर हो जाए, तो बराबर संख्या में भाग देंगे तो ये क्या आता है, तो सीधी सी परिभाषा हो गई, यदि S बराबर R है, यदि चाप का मान त्रिज्या के बराबर है, यदि चाप का मान त्रिज्या के बराबर है, तो हमेशा कोण का मान कितना होता है, एक रेडियन। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई एक रेडियन की, कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, इस चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही होनी चाहिए। मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो चाप भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है, तो उस वृत्त का चाप भी आप जो लोगे ना, वो 1 मीटर होना चाहिए। तो वो जो 1 मीटर का चाप है, यहाँ वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो 100% 1 रेडियन आएगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण या बनाया गया कोण ही क्या कहलाएगा? एक रेडियन। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो अब बात करते हैं स्टेरेडियन। यहाँ तो कोण का फॉर्मूला याद रखना है, रखना है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और आंसर हमेशा किस में आएगा? रेडियन में। अब बात करते हैं स्टेरेडियन किसके लिए था। स्टेरेडियन था घन कोण या ठोस कोण के लिए, 3D वाला जो कोण, यह 2D वाला कोण, 2-dimensional, द्विविमीय, और ये हो गया त्रिविमीय, तीन दिशाओं के लिए ना। तो इसको अगर समझना है तो हम सबसे पहले एक त्रिविमीय ज्यामिति ले लेते हैं, और त्रिविमीय ज्यामिति में जो डेली लाइफ में अपने को देखने को मिलती है वो क्या होता है? गोला, ठीक है ना, गोला जिसको आप स्पेयर बोलते हो। तो मैंने एक स्पेयर लिया, उसका एक छोटा सा जो पार्ट ना वो काट दिया यहाँ से यहाँ तक, देखो ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे मैंने ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे कर्व कर दिया। ये जो आपको छायांकित तो भाग नज़र आ रहा है, ये गोले का एक छोटा सा भाग है, ऐसे गोला है, गोले को एक छोटा सा भाग आप कट कर लो, कर लिया कट। ये गोले का जो भाग है इस गोले के केंद्र पर, गोले का केंद्र लेते हैं हम ओ, ये कितना कोण बनाता है यहाँ पे। अब वो कोण देखना बेटा वृत्त के रूप में नहीं आएगा, आप खुद एक बार समझने की कोशिश करना। एक पेज ले लेते हैं अपन, उस पेज को ऐसे मोड़ के और ऐसे यहाँ पे कोण बनाने की कोशिश करते हैं। उस पेज को ऐसे मान लो, जो हमने कागज़ लिया उसको ऐसे समझ लो कि गोला है, उस गोले का एक छोटा सा भाग है, इतना बड़ा गोला होता है उसका एक छोटा सा भाग ले लो, और उसके चार कोने इधर से नीचे से इधर से, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक घन सा बन रहा है, एक आपका स्क्वायर सा बन रहा है, एक वर्ग बनेगा ऐसे 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 ऐसे, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इधर आ गया, इधर वाला हिस्सा यहाँ आ गया, इधर वाला हिस्सा यहाँ आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या शेप बन रही है, यहाँ पे एक वर्ग सा नजर आएगा हमें, वर्ग या घन नजर आएगा ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब ये जो कोण बना है ना, ये समतल में नहीं है, ये कैसा है? 3D के अंदर है बेटा, ध्यान रखना किसमें है? 3D में। तो इसी कोण को मापने के लिए क्या किया जाता है, जो हम क्षेत्रफल ले रहे हैं उस क्षेत्रफल को ऊपर रख देते हैं, और इस गोले की जो त्रिज्या थी उसका स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना स्टेरेडियन या घन कोण या ठोस कोण क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है, घन कोण या ठोस कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण या ठोस कोण क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल किसका? जिसने कोण बनाया है, जैसे ये गोले का क्षेत्रफल, इसने कितना कोण बनाया वो बाद की बात है। तो इस गोले की जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर का हम नीचे भाग देंगे। ये तो हो गया छोटे अल्पांश के लिए, मान लो हमें पूरा गोला लेना है तो पूरे गोले का क्षेत्रफल ए और नीचे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो सेम रहेगी चाहे आप छोटा पार्ट लो चाहे पूरा हिस्सा लो। इसका मतलब सर हमारे पास में क्या आ गया, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घन कोण बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। चलो क्लियर है। अब सर इस घन कोण का मान एक स्टेरेडियन कैसे आएगा? अभी मैंने सिंपल सा समझाया है, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट अगर बराबर हो जाए तो भाग देने पर एक आता है। इसका मतलब आपने जो गोले का भाग लिया था उसका क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, तो मान लो गोले की त्रिज्या 2 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए सर? 2 मीटर का स्क्वायर 4, तो ऊपर क्षेत्रफल 4 आना चाहिए। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई, यदि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तो उस क्षेत्रफल ने गोले के इस केंद्र पे जो कोण बनाया ना वो एक स्टेरेडियन होगा। क्लियर है? यहाँ पे परिभाषा एक बार देख लेते हैं, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल, गोले की जितनी त्रिज्या है उसका वर्ग करो, उसके बराबर का आप क्षेत्रफल लो, वो गोले के केंद्र पे जितना कोण बनाएगा वो हमेशा कितना होएगा? एक स्टेरेडियन। क्लियर है? एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा सिंपल सी हो गई। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, संपूर्ण गोला जो है, संपूर्ण गोले द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया जो घन कोण या ठोस कोण उसका मान कितना होता है? देखिए ट्राई करो फटाफट, देखिए ठोस आपका जो घन कोण या ठोस कोण है वो कितना आएगा, एक संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पे बनाया गया कोण कितना आएगा, कौन बताएगा? देखिए ट्राई करो फटाफट, देखिए फॉर्मूले से ही करना है हमें, फॉर्मूले से ही हमें इसका मान निकालना है। तो सिंपल सा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा, घन कोण बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका ले रहे हैं? गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई क्या आ गया, वही गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। तो बेटा अभी हमने देखा है कि सर गोले के अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πr², गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², नीचे क्या आ रहा है त्रिज्या का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 4π। अब आंसर क्या लगाना है, रेडियन मत लगा देना भाई, ये जो फॉर्मूला है ये तो सीखा है, ये क्या चीज़ है, घन कोण या ठोस कोण, तो आंसर क्या आएगा स्टेरेडियन। तो एक चीज़ आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है, गोले के संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पे बनाए गए ठोस कोण या घन कोण का मान कितना होता है, 4πr². क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि जो समतल कोण था जिसको हमने रेडियन में मापा है, क्या इस कोण को हम डिग्री में मापते हैं तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, और डिग्री रेडियन में संबंध है तो आपका एक डिग्री में एक रेडियन में उनमें आपस में हम रिलेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।